सभी को नमस्ते। तो हम लोग अभ्यास दो का भी कर रहे हैं। अभ्यास दो में हम स्वयं द्वारा शरीर को देखने का अभ्यास कर रहे हैं और इसके एक एक स्टेप से गुजरते हुए हम अभी स्टेप फाइव पे पहुंच पाए हैं। स्टेप वन में हमने मैं और शरीर इन दोनों वास्तविकताओं को अलग अलग देखने का अभ्यास किया, अलग अलग पहचानने का अभ्यास किया। स्टेप टू में हमने मैं और शरीर पे जो आदान प्रदान हो रहा है उसको देखा। तो दिखता है कि मैं शरीर को संकेत देता हूँ आवश्यकता अनुसार और शरीर में होने वाली संवेदना को मैं पढ़ता हूँ आवश्यकता अनुसार। इस चीज को हम अपने आप में ऑब्जर्व करते रहे। स्टेप थ्री में हम इस बात को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि निर्णय कौन लेता है। ये दिखा कि निर्णय मैं ही लेता हूँ, इसको मैंने कई प्रकार से देखा। शरीर को स्थिर रखकर चलते फिरते, अपने कार्य करने की गति को धीमी करके, अपनी दिनचर्या को पूरा करते, इसमें हर एक स्थिति में इसको देखने का प्रयास किया। कोई बहुत तेजी से कोई एक्शन लेते, कोई धीरे काम करते, इन सब अवसरों पर हमने देखने का प्रयास किया। तो देखता है कि मैं निर्णय लेता हूँ, चाहे मुझे शरीर को संकेत देना हो या शरीर में होने वाली संवेदना को पढ़ना हो, ये निर्णय शरीर का नहीं है, मेरा है। ये हम देख पाए स्टेप थ्री में। स्टेप फोर में इस चीज को देख रहे हैं कि संवेदना और मैं इसमें क्या संबंध है। तो क्या मैं संवेदना हूँ, क्या मैं संवेदना में हूँ, या मेरे और संवेदना की कुछ दूरी है। तो ये दिखता है कि मेरे और संवेदना की कुछ दूरी है और इसको देखते हुए हम इस बात को भी देखने का प्रयास करते रहे कि मेरे और शरीर के बीच दूरी है। इस तैयारी के साथ हम स्टेप फाइव को पूरा कर रहे हैं। स्टेप फाइव में हमने देखा कि जो संवेदनाओं को मैं पढ़ रहा हूँ वो तीन प्रकार की है। एक तो दूसरे मनुष्य का व्यवहार, दूसरा शरीर के बाहर जो भौतिक रासायनिक घटनाएं हो रही है, और तीसरा शरीर में जो घटनाएं हो रही है। तो मूलतः देखें तो शरीर के भीतर हो रही घटना और शरीर के बाहर हो रही घटना। शरीर के बाहर होने वाली घटना दो प्रकार से, एक मानव के साथ और एक शेष प्रकृति के साथ, इतनी बात है। और इन तीनों तरह की संवेदनाएं मुझे मिलती हैं, मैं उनको पढ़ता हूँ। ठंड का मौसम है, ठंड लग रही है, बाहर सर्दीली हवा चल रही है, वो एक संवेदना के रूप में हम तक पहुंचता है और अपने आप को हम कवर कर लेते हैं। तो ये शरीर से बाहर जो भौतिक रासायनिक घटना हो रही है उस प्रकार का है। इसी दौरान अगर किसी ने कह दिया है ना कि इतना भी ठंड नहीं है, ठीक है, अब ये दूसरे का व्यवहार है जो मुझ तक पहुंचा, उसके साथ ही शरीर में कुछ घटना हो रही है। सुबह उठे हैं तो शरीर के अंग अंग में कुछ ना कुछ क्रिया हो रही है। हो सकता है कल काम करते करते शरीर थक गया था, बहुत दर्द हो रहा था, तो शरीर के अंदर जो क्रियाएं हो रही हैं उसकी संवेदना मुझे मिल रही है, या कल रात जो खाना खाया अभी पचा नहीं है उसकी संवेदना मुझे मिल रही है कि नहीं, या ठंड से कफ बढ़ गया है शरीर के अंदर उसकी संवेदना मुझे मिल रही है। ये तीन प्रकार की संवेदना हमें मिल रही है। अभी देखने की बात यह है, जिसको हम लोग अभी भाग एक में देखने का प्रयास करते रहे, कि जो भी संवेदना मुझ तक पहुंचती है मैं उसको एक अर्थ देता हूँ। जो मैं अर्थ देता हूँ वो मैं अपने संस्कारों से जोड़ कर देता हूँ। नहीं, और मेरा संस्कार समझ पे भी आधारित हो सकता है, समझ के अभाव में भी हो सकता है। इस बात को हम लोग देखते रहे। कल एक बात और भी निकल कर आई थी कि जनरली आपस में व्यवहार करते समय हम अपनी बात को पूरा करते समय आखिरी के एक दो वाक्य जो बोल जाते हैं कई बार वो अनावश्यक होता है और उसका प्रभाव अगले व्यक्ति पर लंबे समय तक रहता है। कई बार हमारी आदत भी बन जाती है कि आवश्यक काम जब पूरा हो गया उसके बाद कुछ अनावश्यक बातें कह देना। इसको भी हम अपने आप में ऑब्जर्व कर रहे थे, क्योंकि अगले व्यक्ति उस संवेदना को जब पढ़ता है उसे प्रभावित होता है। तो कल के असाइनमेंट को लेकर यदि किसी का कोई शेयरिंग हो तो यहाँ रख सकते हैं। ये जो मैंने बात कल कही थी कि व्यवहार में हम कई बार दूसरे से व्यवहार करते समय आखिर के कुछ एक दो वाक्य ऐसे कह जाते हैं जिससे संबंध प्रभावित हो जाता है ना, कई बार वो उल्टी तरह से प्रभावित होता है
संबंध बिगाड़ जाते हैं। क्या लगता है इस बात को हम लोग अपने आप पे ऑब्जर्व कर पाए कैसा होता है, अपने व्यवहार में कम इस चीज को देख पाए कि जितना आवश्यक है बोलना उससे अधिक हम कई बार बोलते हैं जिसकी आवश्यकता नहीं होती। आखिर में कुछ ऐसी बातें कह देते हैं जो अनावश्यक होते हैं, जिससे संबंध बिगड़ जाता है, स्थिति बिगड़ जाती है। इसके साथ ही ये भी देख सकते हैं कि बाहर कोई भौतिक रासायनिक क्रिया है, जैसे गर्मी है, सर्दी है, ठीक, या स्वादिष्ट भोजन है जिसको हमने मुंह में डाला है, उसका मेरे शरीर पर प्रभाव पड़ता है और उससे भी संवेदना उत्पन्न होती है, और फिर मैं संवेदना का आस्वादन करता हूँ और मैं अपने संस्कार जो मान्यता भी आधारित हो सकती है या समाज आधारित हो सकती है उसके साथ जोड़कर उसको अर्थ देता हूँ। क्या लगता है ये बात भी कहना ठीक है, इसको हम अपने आप में ऑब्जर्व करें तो अभी आप पाएंगे कि इसी सर्दी में हम लोग अलग अलग तरह से शरीर का बचाव करते हैं, तो इसमें कुछ तो शरीर की एक स्थिति हो सकती है, किसी की प्रकृति बात की है, किसी की पित्त की, किसी की कफ की, तो ठंड के मौसम में शरीर हमारे एक तरह से प्रभावित होता है शरीर की बनावट के आधार पर। दूसरा, शरीर को लेकर हमारी अपनी एक मान्यता भी होती है, हमारी कल्पना भी होती है, तो आप पाएंगे कि लोग अलग अलग ढंग से गर्म कपड़े पहनते हैं, है ना, तो वहाँ उनका सिलेक्शन शामिल है। तो जो संवेदना का आस्वादन कर रहे हैं इस ठंड में, उसको हम उसे अलग प्रकार से अर्थ दे रहे हैं। तो किसी को यही मौसम देख कर लगता है कि अच्छा अब तो दौड़ा जा सकता है खूब, है ना, पसीना निकलेगा और ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगेगी। तो कोई व्यक्ति इसी ठंड के मौसम में, जो अभी एक ठंड का मौसम शुरू हुआ है, सुबह दौड़ने का निर्णय ले सकता है। कोई सोच सकता है कि और थोड़ा देर तक सोया जाए, ठंड है भी बाहर, कोई अपने आप को पैक करके घर के काम कर सकता है। तो शरीर में संवेदना उत्पन्न हो रही है बाहर के ठंड के कारण और हम उसको अलग अलग तरह से अर्थ दे रहे हैं, इस बात को बिल्कुल साफ साफ देखा जा सकता है। हम उसे अलग तरह से अर्थ दे रहे हैं और जो भी हम अर्थ दे रहे हैं वो अपने संस्कार से जोड़कर दे रहे हैं। सुप्रभात सभी को। भैया मैं देख रही थी, जैसा कि आपने बोला अभी, कई बार हमारे बॉडी से सेंसेशन हमें मिलता है लेकिन जब हमारा ध्यान नहीं जाता है तो हमें वो, हम उसको पढ़ते नहीं है। जैसे कि कल हमारी क्लास लगी हुई थी, आज प्रशिक्षण चल रहा है जीवन कौशल उमंग हेल्थ एंड वेलनेस बच्चों के लिए जीवन कौशल। तो मैं देख रही थी कि एक सर क्लास ले रहे थे 9:30 से लगातार, वो 4 बजे तक उन्होंने क्लास ली। इस बीच में हम लोगों के 3 सेशन थे एक एक घंटे के, बट वो उनका सेशन खत्म ही नहीं हो पा, क्लास खत्म नहीं हो रही थी क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से ले रहे थे और एक एक बिंदु पर जानकारी दे रहे थे। तो ज्यादा टाइम हो गया था और मैं बैठे 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 9:30 बजे से 4 बजे तक बैठे बैठे मैं देख रही थी कि मेरी बॉडी में कई जगह पेन होने लगा, बैठे बैठे स्वेलिंग आ रही है पैरों में, और क्योंकि मैं अपना वेट कर रही थी असल में कि मेरी मैं इनकी क्लास खत्म होगी तो मैं लूंगी, और उसके कारण मैं देख रही थी कि मेरे अंदर से जो वेट इंतजार जो कर रहा था, हमारे भाव जो थे इंतजार वाले, वो उसका टाइम निकल जाने के कारण मैं देख रही थी कि मेरे शरीर में मेरे जो संवेदनाएं आ रही मैं उनको ज्यादा पढ़ने लगी, और क्योंकि मुझे इंतजार था अपनी क्लास का, तो कहीं पैर में दर्द हो रहा था तो मैं वो देख रही थी, कहीं भूख लग रही थी तो फिर वो सेंसेशन में मुझे मतलब वो संवेदना सूचना मिल रही थी तो मैं वो पढ़ रही थी, कहीं सिर में दर्द होने लगा तो वो पढ़ रही थी, और मैं बार बार क्लास से थोड़ा सा टहलने बाहर जा रही थी अब खुद को फिट रखने के लिए। तो ये मैं देखती हूँ कि जब हमारा काम में मन लगता है या वो काम मैं करना चाहती हूँ और नहीं कर पा रही हूँ तो बॉडी से जितने सेंसेशन मिलते वो पढ़ने लगते हैं, लेकिन जब काम में व्यस्त हो जाते हैं अपने कार्यों में, जैसे कि ठंड है अभी और सुबह से उठना है और 9 बजे जाना है, तो कोई ठंड का एहसास, ठंड नहीं लग रही है जल्दी से, ये है ध्यान में कि काम करना है और निकलना है। तो भैया कई बार ये भी होता है हमारे साथ, वही तकलीफ जब काम नहीं रहता तो ज्यादा उसको हम महसूस करते हैं, और जब हम कार्य में व्यस्त हो जाते हैं तो वो तकलीफ हम महसूस नहीं कर पाते हैं, उसको पढ़ते नहीं है या भूल भूल जाते हैं।
भैया, यही शेयर करना था। ठीक बात है, बढ़िया दीदी। तो ये ठीक है क्या भैया कि मतलब नहीं, जैसे हाँ, किसी कार्य में हम मशगूल हो गए, तुम्हारा ध्यान वहां चला गया, अब उस संवेदना को हम नहीं पढ़ रहे। यह हमारा एक निर्णय है कि हमें 9 बजे तक स्कूल पहुंचना है, ठीक है। जी हमने ये स्वीकारा हुआ कि ठंड लगे, गर्मी लगे, ये सुबह की दिनचर्या पूरी करनी है, सुबह के जो भी कार्यक्रम है उसको पूरा करना है, फिर मुझे इस समय तक कॉलेज पहुंच जाना है। तो हमारी जी प्रायोरिटी ये है कि हम समय पर कॉलेज पहुंच जाए, ठंड गर्मी आज बरसात भी की। जैसे आज संडे है, आज यदि नहीं जाना होता तो आराम से 8 7 8 आराम से लेट होता सब कुछ, लेकिन अभी जाना है ना, आज भी जाना है हम लोगों को। यहाँ तो टीचर्स का प्रशिक्षण हो रहा है, तो उसमें अभी बिल्कुल ठंड नहीं लग रही, और लग रहा है कि बस जल्दी जल्दी निपटाए अपना और निकल जाए, तो बिल्कुल कहीं बिल्कुल कोई मतलब एहसास नहीं हो रहा है उस चीज का। जी जी भैया, जी भैया, थैंक यू भैया। जी बढ़िया दीदी। एक और हैंड रेज था भी जी, तो इसको भी हम ऑब्जर्व करें। तो कल हम लोग ये ऑब्जर्व करते रहे कैसे हम दूसरे के व्यवहार से प्रभावित होते हैं, उसमें उस चीज को अपने आप में देखते रहे। वैसे अब हमको ये देखना है कैसे हम बाहर की कोई भौतिक रासायनिक घटना से प्रभावित होते हैं ना, कैसे हम उसको अर्थ देते हैं। नहीं, और शरीर के भीतर होने वाली घटनाओं को भी देख सकते हैं। तो अभी ऐसा करते हैं, अभी कल हम लोगों ने व्यवहार को लेकर ध्यान दिया था, आज ये जो शरीर से बाहर घटनाएं हो रही हैं, ठंड गर्मी बरसात, इसको भी लेकर हम अपने आप में ऑब्जर्व करें। इसको थोड़ा और आप क्लैरिफाई कर पाएंगे अपने आप में कि जैसे अभी मोबाइल सामने है, ठीक है ना, और मोबाइल में ये फॉन्ट्स कुछ लिखे हुए हैं, कुछ भाषा लिखी हुई है, स्लाइड बदल रहे हैं, ये भी बाहर की एक भौतिक रासायनिक क्रिया ही हो रही है। आप टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, सामने का दृश्य देख रहे हैं, पेड़ पौधे देख रहे हैं, मनुष्यों को देख रहे हैं, ये सभी बाहर होने वाली घटनाएं ही हैं। इनका भी शरीर पर प्रभाव पड़ रहा है, कोई रूप बन रहा है, जो उनका रूप है वो आंखों में बन रहा है, आंखों से आप तक पहुंच रहा है, ठीक। अब इस रूप को आप अर्थ दे रहे हैं। अब जैसे किसी और व्यक्ति को कहा जाए कि सुबह सुबह उठ के 1 घंटा मोबाइल के सामने ऐसे बैठना है और काले अक्षरों में कुछ लिखा हुआ है, और 1 घंटा कोई व्यक्ति बोलने वाला है और आपको सुनना है, यही एक दृश्य देखना है और वही सुनना है, तो उस व्यक्ति के लिए बहुत ही अनुपयोगी चीज होगी ये, क्यों मैं संडे की सुबह 5:30 बजे से 6:30 बजे से उठकर एक है ना स्लाइड पे कुछ लिखा हुआ देखूं और किसी की बात सुनूं। बट हमें ये समझ में आ रहा है जब कि इससे हम अपने आप में ऑब्जर्वेशन को और शार्पन कर सकते हैं, तो हम उसमें समय लगाते हैं। तो संवेदना ये भी है जो बाहर की एक बहुत ही रासायनिक क्रिया है, और उसको हम एक अर्थ दे रहे हैं। तो अभी भी देखें, इस क्षण भी देखें, तो हम एक अर्थ दे रहे हैं इसको, और उस अर्थ के आधार पर हमारा निर्वाह हो रहा है। अगला व्यक्ति कोई और अर्थ दे रहा है, उसके आधार पर उसका निर्वाह हो रहा है। हमें लगता है उपयोगी है तो हम उसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगले को लगता है उपयोगी नहीं है, नहीं देख रहा है, नहीं सुन रहा है। नमस्ते नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। जी दी। भैया, मैं भैया एक ही शेयरिंग करना चाह रही थी कि कुछ दिन पहले, 3 दिन पहले हमारे कॉलेज में एक जेंडर बाइनरिटी के ऊपर वर्कशॉप थी। तो मैं ये देख रही थी कि जो भी वहाँ इंफॉर्मेशन शेयर हो रही थी, तो जब सेल्फ की अंडरस्टैंडिंग से पहले जो भी इंफॉर्मेशन वहाँ मिल रही थी, उसको जो मेरी पुरानी इंफॉर्मेशन थी उसके साथ मैं रिलेट करती थी, तो ज्यादा मैं फेमिनिज्म में है ना, और जो हो रहा है अभी करंट का स्टेटस है उसके साथ इंटरप्रेट करके है ना, मेरे भाव बिगड़ते रहते थे। और एक वो मतलब अपने आप को फीमेल को एसोसिएट करके, तो ऐसा लगता था कि मतलब इनफ्योरिटी वो होता था कि कैसे सोसाइटी में फीमेल को लोअर उसमें कर रहे हैं, तो अपने में भी वो भाव बनता था। लेकिन ये इस कॉन्फ्रेंस में मैं ये चेक अपने आप में देख रही थी कि थोड़ा थोड़ा जब सेल्फ की क्लैरिटी हो रही थी, तो जो भी इंफॉर्मेशन मुझ तक मिल रही थी, तो जो करंट की इंफॉर्मेशन मेरे पास है
मैं उसके साथ उसको इंटरप्रेट कर रही थी, तो मेरे जो भाव है वो नहीं फ्लक्चुएट हो रहे थे, इतना ही बन रहा था कि जब तक सेल्फ की क्लैरिटी नहीं बनती तब तक हम ऐसा जो डिस्क्रिमिनेशन है वो होता ही रहेगा। तो जो भी करंट में चीजें हो रही हैं फेमिनिज्म को लेके या थ्री जेंडर्स को लेके जो बात होती रहती है वो होती ही रहेगी। मेन मुद्दा तो यही लगेगा कि सेल्फ को, क्योंकि सेल्फ को देख पाएंगे समझ पाएंगे तो फिर वो जो डिस्क्रिमिनेशन है वो अपने आप से ही हटेगा। मतलब उसके चलते हुए मेरे अपने अपने भाव और जो अपनी लो फीलिंग है वो नहीं हुई। मतलब मैंने जो इंटरप्रिटेशन आज की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे की तो मतलब मेरे भाव बिल्कुल नहीं बिगड़े और मतलब क्लैरिटी यही बनी और ऐसा मतलब मैं देख पाई। जी भैया, भैया और एक सेंसेशन का को लेके, जैसे ये तो मेरी जो मैं कुछ ऑब्जर्व करती हूँ कोई ऑब्जर्वेशन में कई बार दिखाई देता है कि मैं सेंसेशन से मेरी दूरी है, लेकिन मैं सेंसेशन में नहीं हूँ इसके ऊपर पूरा कंक्लूजन मेरा नहीं बनता है। क्योंकि जब ये मैंने देखा कि जो सेंसेशन है जैसे बॉडी से को लेके है, जो बॉडी से सेंसेशन आती है अगर वो बहुत तीव्र है तो थोड़ा सा अभी उससे फिर मुझे लगता है मेरी दूरी नहीं है। वो मतलब वो प्रभावित करती है, इतना मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है कि सेंसेशन आ रही है मैं उसको पढ़ रही हूँ, वो एक इंफॉर्मेशन के रूप में है और वो मुझे प्रभावित कर रही है और कहीं कहीं मतलब मैं ही उसको मीनिंग दे रही हूँ, है ना। वो प्रभाव कम और ज्यादा हो जाता है इतना, लेकिन अगर बहुत ज्यादा तीव्र है तो ऐसा ही लगने लग जाता है कि मैं ही सेंसेशन में हूँ क्योंकि वो मुझे इफेक्ट ज्यादा करने लगती है। ऐसा भी जी जी ठीक बात है। इसमें आप देखेंगे कि जब शरीर में कोई तीव्र संवेदना आती है तो कई बार हमारे अंदर जो भी भाव बैठे रहते हैं पहले से, कई बार जो हमको सहज रूप से स्वीकार नहीं होते वो ट्रिगर होते हैं, तो इस चीज को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शरीर में होने वाली संवेदना से हमारे अंदर का जो भी भाव विचार में बना हुआ रहता है पहले से वो ट्रिगर होने लगता है। तो अगर हमारे अंदर इरिटेट करने की, इरिटेट होने का एक अभ्यास है तो हम इरिटेट होने लगते हैं, टेम्पर लूज करने का अभ्यास है तो टेम्पर भी कई बार लूज करने लगते हैं, तो ये भी दिखाई देगा। जी जी भैया, ये दिखता है इरिटेशन वाला तो दिखता है। हाँ, इनफैक्ट कई बार जैसे आप बैठ गए ना और आपने निर्णय लिया कि भाई पैर नहीं खोलना है, अब पैर में संवेदना बढ़ रही है, तीव्र हो रही है, ठीक, बहुत तीव्र हो रही है, अब आपके अंदर पाएंगे कि शरीर की संवेदना सब कैसे प्रभावित होते हैं आपको दिखाई देगा। अपने भाव को समय देखिए कैसा भाव बन रहा है हमारे अंदर, तो हो सकता है भाव बिगड़ना शुरू हो जाए क्योंकि तो संवेदना को जैसा वैसा ना देख कर मैं इसे प्रभावित हो रहा हूँ, हमारा भाव बिगड़ने लगे, हमारे अंदर गुस्सा है ना, इरिटेशन, इस तरह की चीजें तैयार होने लगे, ये सब भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। और इरिटेशन के साथ भैया ऐसा भी लगा कि हृदय की धड़कन बढ़ती है, मतलब हाँ। कोई ना कोई सूचना मैं दे रही हूँ जिसकी वजह से वो हार्ट बीट बढ़नी शुरू होती है, मुझे ऐसा लगा। हाँ, हार्ट बीट बढ़ सकता है, सिर का तापमान बढ़ सकता है कि नहीं, जी ब्लड भैया। और सकता है भैया मतलब कुछ जैसे योगा करें और किसी स्थिति में हम शरीर की जो एक सीमा है उससे बढ़ के कुछ हम डिसीजन लेते हैं कि इस पोस्टर में कुछ देर रहना है तो ऐसा लगता है ऑटोमेटिकली कई बार मैं इंस्ट्रक्शन नहीं दे रही लेकिन शरीर हिलने लग जाता है, जैसे कंप कंप कंपकपी हो जाती है ना वैसा। और मैं ऑब्जर्व करती हूँ कि मैं इंस्ट्रक्शन नहीं दे रही कि ऐसे जैसे मतलब जैसे उदाहरण दीजिए। जैसे भैया योग कर रहे हैं तो जो जो भी पोस्टर में हमको ने डिसाइड किया कि इस पोस्टर में इतनी देर रहना ही है तो जब उस पोस्टर में रहते हैं तो वो शरीर की सीमा से बाहर हम डिसाइड कर रहे हैं जी। तो फिर वो मतलब शरीर की सीमा से बाहर डिसाइड कर रहे हैं तो वो कंपकी सी होती है शरीर में, मतलब जैसे मैं अगर देखूं तो लेट के मुझे वो आसन का नाम तो ध्यान में नहीं आ रहा है, तो अगर वो 180 डिग्री तक अपने आप को वो करना है थोड़ा सा शरीर को
मतलब नीचे उससे उठा के 90 डिग्री तक तो करती हूँ, तो 20 काउंट तक मैं कर पाती हूँ, मुझे लगता है ठीक है। लेकिन फिर आगे 120 डिग्री या 180 डिग्री, उससे कम, मतलब उसको होल्ड करके रखना है हवा में ही, तो फिर मैं देखती हूँ कि अगर मैं ज्यादा देर तक होल्ड करती हूँ तो अपने आप से शरीर में कंपकंपी शुरू हो जाती है, जी, तो तो वो उसमें क्या है, ऑटोमेटिक शरीर लगता है। का अपना भार है। हाँ, तो पैरों को हम एक एंगल पर रोकते हैं, है ना, तो शरीर का अपना एक भार है, पैरों का अपना एक भार है। अब आप उसको रोक रहे हैं तो शरीर की जो बाकी अंग के मांसपेशियां हैं उस पर काम कर रही हैं, मतलब उनकी अपनी एक सीमा है, उससे अधिक वो नहीं हाँ होल्ड कर पाए, तो वो पैर नीचे जा रहा है। फिर आप उसको होल्ड करने के लिए ऊपर लाते हैं, तो होता है ये है कि जो पैर का भार है वो नीचे की ओर दबाव बना रहा है, आप अपने मांसपेशियों से ऊपर की ओर खींच रहे हैं उसको, तो उस हाँ बीच में है ना दोनों का प्रभाव काम करता है, तो पैरों में कंपन लगती है, धड़ में भी कंपन लगती है, और उसके हाँ बाद भी अगर आप रोक के रखें तो कंपन और बढ़ेगी। अब या तो पैर गिरेगा या आप उठ के बैठेंगे, अगर आप दोनों के बीच के एंगल को सेम रखना चाहें तो हाँ तो भैया ये मतलब शरीर की फिजियोकेमिकल चेंजेस है, मतलब मैं तो इंस्ट्रक्शन नहीं दे रही, ऐसा तो मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि पैर को होल्ड करना है, होल्ड उसका करना प्रभाव है। शरीर पर। हाँ, तो शरीर को कपाने का इंस्ट्रक्शन मेरा नहीं है, बट पैर को होल्ड करने का इंस्ट्रक्शन तो मेरा है, उसके जी आधार पर शरीर में कंपन हो रहा है, ये तो ठीक ही है। जैसे मेरा जी इंस्ट्रक्शन है कि भाई ठंड में निकलना है, ठीक, सिर्फ एक सूती कपड़े में, इंस्ट्रक्शन मेरा है। अब शरीर में कपकपी हो रही है ठंड के कारण, वो तो ठीक ही है, वो मेरा इंस्ट्रक्शन नहीं है। ठीक है भैया, यही पूछना चाह रही, बढ़िया धन्यवाद दी, भैया। बढ़िया दी। तो अभी हम लोग इसको भी ऑब्जर्व करते हैं, 10 मिनट का समय लेते हैं, 10 मिनट ऑब्जर्व करते हैं, फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। इसमें जो दूसरे से मिलने वाला व्यवहार है और शरीर के बाहर होने वाली बहुत ही रासायनिक घटनाएं हैं, इन दोनों को जोड़ के देख सकते हैं, है ना, फिर अपने आप को ऑब्जर्व करें हम। तो 10 मिनट ऑब्जर्व करते हैं कैसे हम उस संवेदना को अर्थ दे रहे हैं, चाहे दूसरे का व्यवहार हो या शरीर से बाहर की बहुत ही रासायनिक घटना हो। मैं ऑब्जर्व करें किस तरह से मैं संवेदना को अर्थ देता हूं। मैं कुछ खा रहा हूं, मैं कुछ पी रहा हूं, किसी चीज को मैं रुचिकर मानता हूं, किसी को मैं अरुचिकर मानता हूं, किसी चीज को मैं बार बार खाने की योजना बनाता हूं, किसी चीज को मैं कभी नहीं खाने की योजना बनाता हूं, तो जो भी मुझे भोजन से स्वाद मिल रहा है उसको मैं एक अर्थ दे रहा हूं। जो स्पर्श से मुझे स्वाद मिल रहा है बाहरी किसी वस्तु का, उसको मैं एक अर्थ दे रहा हूँ। ठंड, गर्मी, बरसात, उसको मैं एक अर्थ दे रहा हूँ। जो कान में ध्वनि पड़ रही है उसको मैं एक अर्थ दे रहा हूँ। अभी कमरे में कोई सुबह सुबह है ना आपके घर में कोई संगीत बजा दे, ठीक, जो आपको समझ में नहीं आता हो, उसका प्रयोजन भी स्पष्ट ना हो, तो देखिए आप क्या अर्थ देते हैं। क्या सुबह सुबह शुरू कर दिया, है ना, थोड़ा शांति रहने दो। और यदि उसके प्रति आपकी एक स्वीकृति बनी हुई है, ये चीज अच्छी है, ये बजना चाहिए सुबह सुबह घर में सुबह सुबह कुछ ना कुछ बजना चाहिए, तो आप उसको क्या अर्थ देते हैं और आपका क्या रिस्पॉन्स रहता है। आप देखेंगे दोनों में अंतर हो जाता है। आपने बहुत अच्छा किया, सुबह सुबह ऑन कर दिया, है ना, उसे मैं ताजा महसूस करता हूँ, काम करने में उत्साह बढ़ जाता है। तो ध्वनि वही है, उसको हमने अलग तरह से अर्थ दिया है। वैसे आंखों से कोई दृश्य में देख रहा हूं तो उसको अलग तरह से अर्थ देते हैं। तो सामने कोई एक ना व्यक्ति बैठे हुए हैं, उनका रूप का आप आस्वादन कर रहे हैं, उस व्यक्ति के प्रति यदि संबंध का भाव है तो आप एक प्रकार का अर्थ देंगे उस व्यक्ति के सामने बैठे होने को, आपको अच्छा लग रहा होगा कि हाँ, ये व्यक्ति सामने बैठा हुआ है। अगर संबंध का भाव नहीं होगा, कहीं विरोध होगा, तो आप वेट कर रहे हो कभी जाएं, तो आंखों में एक रूप बन रहा है उस व्यक्ति का, परंतु आपका अर्थ जो है वो बदल रहा है आपके भाव के आधार पर। एक समय लगता है कि व्यक्ति बैठा रहे, इस समय बात करता हूँ, एक समय लगा व्यक्ति जाए, उनसे छुट्टी मिले, तो आंखों में जो रूप बन रहा है ना, वैसे ही आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं, आंखों में एक रूप बन रहा है, कोई बॉल फेंक रहा है, कोई बैट से मार रहा है, ठीक। अब जो बैटिंग कर रहा है, अगर उसको आपने अपना माना हुआ है,
वो छक्का मार देता है, तो आपकी एक तरह की स्थिति बनती है कल्पनाशीलता की, अर्थ आप क्या देते हैं, बहुत अच्छा हुआ छक्का मार दिया। उसके स्थान पर यदि जो बॉल फेंक रहा है उसको आपने अपना माना हुआ है और बैट्समैन ने छक्का मार दिया, तो आप उदास हो जाते हैं, देखो फिर से छक्का पड़ गया, अब क्या होगा मैच का, तो हमने क्या अर्थ दिया हुआ है। चित्र वही है, दो लोग बैठे हुए देख रहे हैं, एक व्यक्ति एक टीम से एसोसिएट कर रहा है, दूसरा व्यक्ति दूसरे टीम से एसोसिएट कर रहा है, दोनों की आंखों में दृश्य वही बन रहा है परंतु अर्थ अलग अलग है। आपने पहली टीम को अपना माना हुआ है, दूसरे दूसरी टीम को अपना माना हुआ है, इसलिए उसी घटना पे हम अलग अलग अर्थ दे रहे हैं। घटना वही है अर्थ अलग दे रहे हैं। ये शरीर से बाहर कोई घटना हो रही है, कोई मैच चल रहा है टीवी में और आपके आंखों में वो दृश्य बन रहा है, वैसे स्पर्श की उन्होंने बात की, ठंड का स्पर्श मिल रहा है, उसको हम अलग अलग तरह से अर्थ देते हैं। कोई व्यक्ति कहा कि अच्छा हुआ ठंड अभी तक बना हुआ है, गेहूं अच्छा पकेगा, गेहूं की फसल अच्छी तैयार होगी। कोई कह रहा है ठंड जाता क्यों नहीं, है ना, सुबह उठकर काम करें बहुत दिक्कत हो रही है, सुबह सुबह ऑफिस जाना पड़ता है, तो कोई इस बात से प्रसन्न है कि हाँ मेरा फसल अच्छा तैयार होगा, गेहूं अच्छा तैयार होगा। ठीक, कोई दूसरा अर्थ दे रहा है कि इस ठंड से काम करने में व्यवधान हो रहा है, तो स्पर्श जैसा मिल रहा शरीर पर बाहर के ठंड का, हम तो उससे अलग तरह से अर्थ दे रहे हैं। वैसे नाक में गंध को देखिए, ठीक है ना, तो किसी ने पुलाव बनाया, नाक में गंध आया, घर में पुलाव बनाया, ठीक, तो कोई व्यक्ति अर्थ देगा कि वाह आज तो संडे है और घर में पुलाव बन रहा है, बहुत अच्छा रहेगा, मिलके खाएंगे, खूब मजा आएगा। कोई व्यक्ति कह रहा है कि देखो इनको पुलाव तभी बनाना है जब डॉक्टर ने हमको खाने से मना किया है, हमारा पेट खराब है और डॉक्टर ने खिचड़ी खाने के लिए कहा है और इनको तभी पुलाव बनाना है ताकि हम खा ना पाए, तो नाक में गंध वही जा रहा है, चाहे हमारे जा रहा चाहे दूसरे व्यक्ति के जा रहा हो। तो आपने अर्थ दिया कि बहुत अच्छा हुआ सुबह सुबह पुलाव बन रहा है, आज संडे बहुत अच्छा बीतेगा। दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि देखो इनको पुलाव तभी बनाना जब हम नहीं खा सकते, हमें चिढ़ाने के लिए बनाया जा रहा है, नाक में गंध वही है, अर्थ अलग दिया जा रहा है, वैसे जीभ पे पड़ने वाले स्वाद को भी कि नहीं। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि ये जो हमको आंख से नाक से कान से जीभ से त्वचा से जो स्पर्श मिल रहा है, जो दृश्य मिल रहा है, जो गंध मिल रहा है, जो स्वाद मिल रहा है, जो ध्वनि मिल रहा है, इन सबको हम अलग अलग अर्थ देते हैं। और जो भी हम अर्थ देते हैं हम अपने संस्कारों के साथ जोड़ कर देते हैं, इसको ही फैला कर देखेंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें ध्यान में आएंगी कि हम किसी दृश्य से सीधे सीधे प्रभावित नहीं होते, उसको हम एक अर्थ देते हैं कि नहीं। किसी गंध से हम सीधे सीधे प्रभावित नहीं होते, जैसे अगर किसी को परफ्यूम लगाना पसंद ना हो, कोई परफ्यूम लगाकर बगल में खड़े हो जाए, आप लिफ्ट में हैं, तो आपको वेट आप वेट करते कभी लिफ्ट का दरवाजा खुले मैं बाहर निकलूं, है ना, ये गंध कब तक मुझे सहन करना पड़ेगा। किसी व्यक्ति को परफ्यूम पसंद है, ठीक, तो उसके अंदर ये विचार ही नहीं आएगा, ठीक, वो लिफ्ट में बने रहने को एंजॉय कर रहा है, तो गंध वही है, अलग तरह से अर्थ दे रहे हैं। इसको अगर हम ऑब्जर्व करें अपने आप में तो आप पाएंगे कि हम बहुत तरीके से रिएक्ट या रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं दिन भर ऐसे बाहर होने वाली घटनाओं से कि नहीं, और हमें पता भी नहीं होता। बट यदि हमारे ऊपर कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हो और फिर देखा जाए कैसे हमारा सिर हिल रहा है, कैसे हमारे चेहरे पे एक्सप्रेशंस बन रहे हैं, तो देख सकते हैं कि कैसे कैसे एक्सप्रेशंस आ रहे हैं नहीं। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन सब चीजों को स्टडी करते हैं कि किसी वस्तु को देखकर आप कैसे प्रभावित हुए, है ना, और फिर कैसे उसको हम सेंस करें कि ये चीज आपके पसंद की है नहीं पसंद की, आपके बिना कहे। तो हमारे जो भी हमको बाहर से संवेदना मिल रही है शरीर के माध्यम से, उसको हम कैसे अर्थ दे रहे हैं, इस चीज को हम नोट कर सकते हैं अपने बारे में दूसरे के बारे में। इसको हम ऑब्जर्व करें, इस पूरी बात को लेकर यदि किसी को कोई प्रश्न हो
तो रख सकते हैं, कोई शेयरिंग हो तो रख सकते हैं। तो ये जो हमारी पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, इससे हमको बाहर होने वाली घटनाओं का संवेदना प्राप्त होता रहता है, ठीक है ना। तो एक जो पहली बात कही हम लोगों ने व्यवहार को लेकर, उसमें भी पांच ज्ञानेंद्रियां काम कर रही है ना, और उससे भी हमें सूचना मिल रही है दूसरे के व्यवहार से। ये जो बाहर भौतिक रासायनिक घटनाएं हो रही है उसकी भी हमें सूचना मिल रही है ज्ञानेंद्रियों से, आंख नाक जीभ है ना, त्वचा कान इन सब से, उसको भी हम अर्थ दे रहे हैं। इसको स्टडी करें तो बहुत इंटरेस्टिंग आपको दिखाई देगा कि कैसे हमारे अर्थ बदलते हैं, है ना। कई बार देखेंगे फिल्मों में ऐसे दृश्य बनाए जाते हैं कि एक ही दृश्य को लोग कैसे कैसे अर्थ देते हैं। तो कह दिया कि पत्थर है तो एक तरह का अर्थ दिया, कह दिया हीरा है तो अलग तरह का अर्थ दिया कि नहीं। हमारे डे टू डे लाइफ में भी देखिए, कोई व्यक्ति ज्वेलरी पहनकर आया है, ठीक, तो आप एक तरह सोचते हैं कि देखो इनके पास बहुत सुविधाएं होंगी, बहुत पैसा होगा, कितनी महंगी ज्वेलरी पहनी है। फिर व्यक्ति बता दे कि तो आर्टिफिशियल है, तो आपका तुरंत से भाव बदल जाता है, तुरंत विचार बदल जाता है कि अच्छा ऐसा मामला है ना, मैं तो सोच रहा था कि लाखों की ज्वेलरी, ये तो हजारों का भी नहीं है। तो आंखों में दृश्य तो वही बन रहा है, बट उसको देखकर हमने पहले एक तरह का अर्थ दिया। जब कान में कोई ध्वनि पड़ी कि आर्टिफिशियल है, ठीक, ये गोल्ड का नहीं है, तो हमारा अर्थ बदल गया, उस व्यक्ति के बारे में हमारा भाव बदल गया। इसको हम ऑब्जर्व करें, है ना। ये जो अर्थ जोड़ना है किसी संवेदना को, इससे बहुत कुछ अपने बारे में पता लगेगा, अपने संस्कारों के बारे में पता लगेगा, ठीक। कोई व्यक्ति कह रहा है कि ये हमारे मित्र हैं और ये शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, इनकी करोड़ों की संपत्ति है, तो हम एक अर्थ दे सकते हैं कि अच्छा क्या महत्वपूर्ण व्यक्ति है ये, ना? इनसे तो हमें दोस्ती रखनी चाहिए, कभी भी काम आएंगे। एक दूसरा अर्थ ये भी दे सकते हैं कि करोड़ों की संपत्ति बनाई है, यानी जरूर कुछ गलत काम किया होगा, जरूर कुछ अनएथिकल काम किया होगा, इनसे तो दूर ही रहना बेहतर है, पता नहीं कब हम भी फंस जाए इनके साथ, है ना। शब्द वही है, हमें अर्थ अलग दिया। ऐसा होता है नहीं होता है, क्या लगता है? कोई अपना मकान दिखा रहा है आपको, ये देखो ये हमने मकान खरीदा है, ठीक, इस पर्टिकुलर कॉलोनी में, इस टावर में, इस फ्लोर पे बड़ा सा मकान है, तो एक अर्थ हम भी दे सकते हैं कि वाह क्या बढ़िया मकान है, मैं भी एक मकान बुक करा लूँ इसी कॉलोनी में, बहुत सुंदर कॉलोनी है। कोई एक अर्थ ये भी दे सकता है कि कहाँ लोग इतने टावर में रह रहे हैं, है ना, इतने छोटे से जगह में इतने सारे लोग रह रहे हैं, और मैं देखो गाँव में तो मेरे मकान के तो चारों तरफ खेत ही खेत है, मैं तो ऐसा रह ही नहीं सकता। वही मकान का दृश्य है, अलग तरह से अर्थ दिया हमने। वही गाड़ी है, अलग तरह से अर्थ दिया मैंने। कोई अपनी नई गाड़ी दिखा रहा है, बताता है देखो मैं नई गाड़ी लिया हूँ, है ना, अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ ग्रेटर नोएडा में, नोएडा में भी एक नया प्रचलन हो गया है। तो कोरोना के पहले मैंने देखा कि बहुत सारे घरों में गाड़ियां नहीं थी, कोरोना के टाइम चूंकि ऑफिस आना जाना था लोगों को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा कम हो गई थी, तो कई घरों में गाड़ियां ली गई, ठीक है ना, तो लोगों ने गाड़ियां ली। अब कई घरों में वर्क फ्रॉम होम चला, सैलरी उतनी ही रही, वर्क फ्रॉम होम हुआ तो बहुत सारा पैसा बचा, परिवार को कहीं बाहर घुमाना फिराना नहीं था, खिलाना पिलाना नहीं था, सारा पैसा सेव होता गया। तो एक नया ट्रेंड आ गया है, और जो पिछले वर्ष से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, अब सभी लोग छोटी गाड़ियों को बेच के बड़ी बड़ी गाड़ियां ले रहे हैं, है ना, ब्रेजा स्कॉर्पियो इस तरह की गाड़ियां ले रहे हैं। तो अब यहाँ पे भी आप देखिए, तो अब हमने, है ना, जैसे कोई आपके सामने आके दिखाए कि देखो हमने बड़ी गाड़ी ली है, तो आपके अंदर ये इच्छा हो सकती है कि अच्छा, है ना, ऐसी गाड़ी मैं भी ले लूँ, मेरी गाड़ी भी छोटी है, ठीक। और दूसरा अलग तरह का भाव भी हो सकता है कि देखो बेकार में ही पैसा लगा रहे, किसी सार्थक काम में लगाते, इस पैसे को गाड़ी में लगा दिया, इतनी बड़ी गाड़ी की जरूरत क्या है, दो लोग हैं रहने वाले, साथ में कोई है नहीं,
इतनी बड़ी गाड़ी की जरूरत क्या थी। अब उसी गाड़ी को देखकर हम सब लोग अलग अलग ढंग से अर्थ दे सकते हैं, उसी मकान को देखकर अलग अलग अर्थ दे सकते हैं, उसी गंध के लिए अलग अलग तरह से अर्थ दे सकते हैं, उसी स्वाद के लिए अलग तरह से अर्थ दे सकते हैं। आप किसी के यहाँ जाए, बहुत ही एग्जॉटिक फूड खिला रहा है कोई, ये देखो ये फल जो है मैं ऑस्ट्रेलिया से मंगाया हूँ, आप खा के देखो, ठीक, तो आपके अंदर एक भाव हो सकता है कि वाह हम भी ऑस्ट्रेलिया से फल मंगाए खाएं, बहुत स्वादिष्ट है। किसी को लगता है देखो ये शो ऑफ कर रहे हैं, यहाँ आसपास इतने फल मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया से फल मंगाने की क्या जरूरत है। तो हम अपने आप में, हम हमारी जो भी कल्पनाशीलता की स्थिति होती है उसके अनुसार हम उस घटना को अर्थ दे रहे हैं। ऐसे आपको दिन भर में मल्टीपल एग्जाम्पल्स मिलेंगे, है ना, और आप पाएंगे कि आप जो भी अर्थ देते हैं, ठीक, उसका शरीर में प्रभाव पड़ता है। कोई चीज पसंद आई, आपका चेहरा एक तरह का बनेगा, नहीं पसंद आई, आपका भौं सिकुड़ जाएगा, नाक सिकुड़ जाएगा, है ना, आंखें खिंच जाएंगी, शरीर में हरकत होगी, ये सब प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर। इसको हम ऑब्जर्व करेंगे अगर ना बहुत बारीकी से, तो आपको दिखाई देगा अपने गहरे गहरे संस्कार, मैं किस बात से खुश होता हूँ, किस बात से दुखी होता हूँ, किस बात से मेरे ऊपर अनुकूल प्रभाव पड़ता है, किस बात से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इन सब चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। जी, चैट बॉक्स में कुछ कमेंट्स आए हैं, मैं उनको एक बार देख लेता हूँ, कुछ प्रश्न भी हैं, फिर हैंड रेज्ड है। एब्सोल्युटली राइट, हमारे लिए है ये, सही कहा, मैं बड़ी गाड़ी से छोटी गाड़ी लेना चाह रही हूँ। ठीक बात है, हर समय कोई ना कोई सूचना मिल रही है और उसको निर्णय अनुसार पढ़ रहे हैं। जी, एक प्रश्न आया है कि क्या मान्यता और संस्कार एक ही है, क्या यह ठीक है? तो संस्कार में देखें तो हमारा समझ, मान्यता और जो संवेदनाओं का प्रभाव है, ये सब ही शामिल है। तो संस्कार को जब लिख रहे हैं तो हमारी इच्छा विचार आशा में जो कुछ भी चल रहा है उस सबको जोड़ कर कह रहे हैं। जो हमारी सहस्वीकृति या समझ भी है उसमें मान्यता भी शामिल है और संवेदना का जो प्रभाव है वो भी शामिल है। एक प्रश्न और है, क्या कुछ संवेदना सेल्फ भी क्रिएट करती है? जैसे जब हम ओवर स्लीप करते हो तो डरावने ख्वाब आते हैं, फिर हम जब जग जाते हैं फिर पता नहीं होता। हाँ, ये तो है कि हमारे अंदर जो कल्पनाशीलता चलती है उससे हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर, है ना, प्रभाव पड़ता है, वो तो ठीक है। तो अगर हमारे अंदर कोई बुरी कल्पना चल रही है तो शरीर में प्रभाव पड़ेगा, कोई अच्छी कल्पना चल रही है तो शरीर में प्रभाव पड़ेगा। और दूसरी तरफ से भी हो सकता है कि अगर हम ज्यादा सो रहे हैं, शरीर को सोने की आवश्यकता नहीं होती, हम सो रहे हैं, ठीक, तो शरीर को ज्यादा आराम दे रहे हैं, उसका प्रभाव भी मुझ पर पड़ सकता है, जैसा मैं अर्थ देता हूँ उसके अनुसार पड़ सकता है। भैया, ये अभी बाहर की घटनाओं का हमारे ऊपर जो प्रभाव है उसको मैंने अभी एक कल के एक उदाहरण के साथ थोड़ा सा आपके साथ प्रश्न भी है इसमें थोड़ा सा हम देखते हैं कि कल एक कार्यक्रम में मैं शामिल होने गया, विद्यालय में था, एनुअल फंक्शन का कार्यक्रम। विद्यार्थियों के द्वारा इतनी अच्छी प्रस्तुति दी गई कि वो मनमोहक कार्यक्रम रहा, लेकिन जब उसका जो बाहर से जब मूल्यांकन किया, मन को तो वो प्रसन्न कर रहा था, कहें तो देखने से आनंद और सुख की अनुभूति हो रही थी, लेकिन जब उसको मॉनिटरिंग भी करना था, चूंकि हमें उसका जो बाहर प्रभाव क्या जाएगा, भविष्य में उसका क्या रिजल्ट निकलेगा, या कहने का कि दूसरे विचार से सोच रहा था तो लग रहा था कि ये ठीक नहीं है, और वैसे सुख मिल रहा था उसको देखने से, आंखों को भी आनंद अनुभूति हो रही थी, मन को भी आनंद की अनुभूति हो रही थी, जब दूसरे दृष्टिकोण से देखा जा करके तुरंत, तो ये अच्छा पैगाम नहीं देगा, भविष्य में इससे समस्या क्रिएट हो जाएगी। तो ऐसी घटनाओं को देखा कि एक घटना मन को और शरीर को सुख दे रही है, लेकिन जब उसका सैद्धांतिक
एक मतलब एक डिसिप्लिन लेवल पे जाके मूल्यांकन किया तो वो ये ऐसा महसूस होता है, नहीं ये समाज के लिए या वातावरण के लिए ये भविष्य में समस्या उत्पन्न करेगा। तो इस पे थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा था कि उस समय हमें क्या करना चाहिए। तो इसमें दो तीन बात है। एक तो शरीर को कोई सुख नहीं मिल रहा है, शरीर में तो सिर्फ संवेदना उत्पन्न हो रही है बच्चों के द्वारा दिए जा रहे कार्यक्रम को देखकर, है ना, और मैं उसको कोई अर्थ दे रहा हूँ। तो पहले मैं सिर्फ इतनी बातों को देख रहा था कि हाँ बच्चे हैं मिलकर गीत गा रहे हैं, ठीक, इतना मेहनत किया है इन्होंने, इतनी तैयारी की है, तो मैं एक तरह का अर्थ दे रहा था। फिर मैं जब उन शब्दों में गया जो शब्द गा रहे हैं उसके अर्थ में गया तो देखा ये तो निरर्थक है, इससे तो है ना समाज में अव्यवस्था फैलेगी, कामुकता फैलेगी या ऐसा कुछ हो सकता है, तो फिर मेरा अर्थ बदल गया। तो ध्वनि वही पड़ रही है बट मैंने उसको और ध्यान से जब देखा तो अर्थ बदल गया, ये बिल्कुल हो सकता है। उसमें करने काम ये है कि हम बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस देंगे कि वो मिलजुल के काम तो करें, है ना, ऐसे अवसरों पे कुछ सामूहिक रूप से कार्यक्रम बनाए परंतु वो सार्थक हो, वो देखेंगे कैसे उनका साथ साथ जीना और बेहतर हो सकता है, उनका व्यवहार पहले से बेहतर हो सकता है, कार्य पहले से बेहतर हो सकता है, इस रूप में बनाए न कि अनावश्यक चीजें करें। जी भैया, ये इस प्रकार की घटनाएं लगभग भाई भैया हम देख रहे हैं, क्योंकि ये जब विद्यालय परिसर में कभी कभी ऐसी घटनाएं हमेशा देखने को मिलती हैं जो उस समय तो लगती हैं कि राइट है, हो गया, ठीक है, लेकिन बाद में समझ में आता है कि ये यहाँ चूक हो गई, ये नहीं होना चाहिए, उसको ठीक करना चाहिए, तुरंत सुधारना चाहिए। तो ये तो है कि एक घटना दृष्टिकोण बदलने से उसके अर्थ बदल रहे हैं, तो ये समस्या मतलब रेगुलर है। जी 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 जी, थैंक यू। बढ़िया भैया, तो आज हम लोग ये दूसरी बात को ऑब्जर्व करें, आज असाइनमेंट के रूप में यही रहेगा। तो पहली बात जो व्यवहार को हम देख रहे थे वो तो देखें ही, साथ में ये भौतिक रासायनिक घटनाओं को भी देखें और देखें कि कैसे मैं उसको अर्थ देता हूँ, है ना, ये आज हम लोग करके देखें। आज संडे का समय है, थोड़ा अलग से हम लोग आधा एक घंटा बैठे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, जिसको आज हम अपने आप में दिन भर ऑब्जर्व करें, उसके साथ हम लोग कल चर्चा करेंगे। बहुत ही बढ़िया, अभ्यास को बनाए रखें। सभी को नमस्ते।